मैं भारत देश की कुछ समस्याओं पर अभ्यास कर रहा हूं, उनमें से ये एक समस्या है जो गो हत्या की है। गो हत्या की समस्या इतनी बड़ी है हमारे भारत देश में कि हर साल 2 कोटी 50 लाख गाय का कत्ल इस देश में होता है, और 2 कोटी 50 लाख गाय और गोवंश का कत्ल करने के लिए 3,600 कत्ल खाने इस देश में चलते हैं। भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन से चलने वाले ये कत्ल खाने 3,600 के आसपास हैं। बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले जो कत्ल खाने हैं उनकी कोई माहिती सरकार के पास नहीं है। एक बार मैंने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को, जिसके अधीन में पशु मंत्रालय भी आता है, पशुधन विभाग आता है, उनको एक खत लिखा था, पत्र लिखा था, और उनको ये पूछा था कि जो रजिस्टर्ड कत्ल खाने हैं जिनका सरकार ने अनुमति पत्र दिया है उनकी संख्या 3,600 है, अनरजिस्टर्ड कितने हैं। तो उनका हमने आज तक गिनती नहीं किया है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 36,000 कत्ल खाने अनरजिस्टर्ड है। 36,000 कत्ल खानों में प्रतिवर्ष 2 कोटी 50 लाख गाय और गोवंश का कत्ल हो रहा है। इस कत्ल में से 72 लाख मीट्रिक टन मांस उत्पन्न होता है, और ये मांस भारत देश से बाहर दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। सबसे ज्यादा भारत के गाय और गोवंश का मांस अमेरिका भेजा जाता है, दूसरे नंबर पर यूरोप के देशों में भेजा जाता है, और थोड़ा कुछ बच जाता है तो अरब देशों में चला जाता है। भारत की गाय का मांस अमरीकी लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, यूरोप के लोग भी भारत की गाय का मांस खाना पसंद करते। उसके बारे में थोड़ा मैंने अभ्यास किया कि ये अमरीकी लोग अपने देश की गाय का मांस क्यों नहीं खाते, भारत की गाय का मांस क्यों खाते। यूरोप में भी गाय होती है, वो अपनी गाय का मांस क्यों नहीं खाते। तो पता ये चला कि यूरोप और अमेरिका की जो गाय है उसको कई गंभीर बीमारियां हैं, और उनमें से एक बीमारी का नाम है मैड काउ डिसीज। इस बीमारी में क्या होता है कि गाय का सिर का जो सींग होता है, हॉर्न, उसमें घाव हो जाते हैं, पस पड़ जाता है, और गाय के जो पैर होते हैं उसमें भी घाव हो जाता है, पस पड़ जाता है। तो सामान्य रूप से अमेरिका और यूरोप की गायों को यह बीमारी रहती है, और इस बीमारी का मांस, माने इस बीमारी से प्रभावित गाय का मांस कोई खाए तो कोई व्यक्ति को इससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी होने की शक्यता है। इसलिए यूरोप और अमेरिका के लोग आजकल अपने देश की गाय का मांस कम खाते हैं, भारत की गाय के मांस की उन्हें ज्यादा डिमांड है। कारण क्या है? भारत की गायों को ये बीमारी नहीं होती है। मैंने इस विषय पर थोड़ा और अभ्यास किया कि भारत की गाय में ऐसी क्या विशेषता है जिसको ये बीमारी नहीं है, और अंग्रेजी गाय में क्या तकलीफ है, यूरोपियन अमेरिकन गाय में क्या है जो ये बीमारी ज्यादा है। तो पता चला कि यूरोपियन और अमेरिकन गाय को भी मांसाहारी भोजन कराया जाता है, और गाय मूलतः शाकाहारी प्राणी है। तो शाकाहारी प्राणी को अगर मांसाहारी भोजन कराओ तो कुछ ना कुछ तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, वो यही है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये यूरोप और अमेरिका वासी क्यों गाय को मांसाहारी भोजन कराते। ये मैंने उनके यहां प्रश्न एक बार पूछा। यूरोप में गाय पालन करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको जब मैंने ईमेल किए और उनसे पूछा कि आप इनको मांस क्यों खिलाते हो गाय को, तो कहते हैं मांस बढ़ाने के लिए मांस खिलाते। गाय के शरीर में मांस की मात्रा और ज्यादा बढ़े इसके लिए मांस खिलाते। और मुझे पहली बार पता चला मेरे जीवन में कि यूरोप की सभी गाय मांस के लिए ही पाली जाती है, दूध उनके लिए सेकेंडरी प्रोडक्ट है। दूध पीने की यूरोप और अमेरिका में कोई परंपरा नहीं है, वो दूध पीना ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन मांस खाना पसंद करते हैं। तो गाय को वहां मांस के लिए पाला जाता है, और इसीलिए गाय को पिछले 50 साल में इतना मोटा बना दिया है उन्होंने कि वो अभी भैंस से भी ज्यादा बदतर हो गई है। यूरोप और अमेरिका की जो जर्सी गाय है, होलिस्टियन है, फ्रीजियन है, जो उनकी प्रजातियां हैं, वो सभी बहुत ही विचित्र किस्म की है। उनमें गाय का कोई भी गुण नहीं बचा है।
जितने दुर्गुण भैंस में होते हैं वो सब जर्सी गाय में दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जर्सी गाय को अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं होता और जर्सी गाय अपने बच्चे को कभी पहचानती भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जर्सी गाय का बच्चा किसी दूसरी जर्सी गाय के साथ चला जाए तो उसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भारत की जो देशी गाय है ना, वो अपने बच्चे से इतना लगाव रखती है, इतना प्रेम करती है कि अगर उस बच्चे को किसी ने बुरी आंख से भी देखा तो मार डालने के लिए तैयार हो जाती है। और भारतीय गाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लाखों की भीड़ में वो अपने बच्चे को पहचान लेती है और लाखों की भीड़ में उसका बच्चा अपनी आई को पहचान लेता है। जर्सी गाय कभी भी पैदल नहीं चल पाती है, चलाने की कोशिश करो तो बैठ जाती है, लेकिन भारतीय गाय की यह विशेषता है कि कितने भी ऊंचे पहाड़ पर उसको चढ़ा दो वो चढ़ के चली जाती है। अगर कभी आपको मौका मिले तो हिमालय की परिक्रमा करिए, हिमालय पर्वत पर जितनी ऊंचाई तक मनुष्य जा सकता है उतनी ऊंचाई तक आपको देशी गाय मिलेगी। गंगोत्री जाइए, जमुनोत्री जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, ये चारों तीर्थों को अगर आप यात्रा करें तो हिमालय की परिक्रमा लगभग हो जाएगी। आपको हर जगह देशी गाय मिलेगी जो 8,000 फीट, 9,000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई तक आराम से चली जाती है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जर्सी गाय को 10 फीट भी ऊपर चढ़ाना पड़े तो उसको तकलीफ आ जाती है। जर्सी गाय का पूरा स्वभाव भैंस के जैसा है। अगर सड़क पर कहीं भैंस खड़ी हो, सामने से ट्रक आता हो, पीछे से बस आती हो, कितना भी हॉर्न बजाए वो हटती नहीं, क्योंकि हटने के लिए जो IQ चाहिए वो उसमें नहीं है। ठीक ऐसा ही जर्सी गाय में होता है। जर्सी गाय सड़क पर खड़ी हो, कितना भी हॉर्न बजाओ, वो भी नहीं हटती। सामान्य रूप से ये जो जर्सी गाय है, इसके बारे में यूरोप के लोग ऐसा मानते हैं कि इसको विकसित किया गया है डूब करके जीन से, सुअर के जीन से विकसित किया गया है। और इसमें जितनी भी जर्सी गाय है यूरोप और अमेरिका में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इनका जो वंश बढ़ाया गया है वो सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बढ़ाया गया है सबका। और आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये गुंजाइश है कि आप चाहें तो घोड़े का जीन्स उसमें डाल दें, आप चाहें तो डुकर का डाल दें, सुअर का डाल दें, कुछ और जानवरों का भी डाल सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ही उसको गर्भवती बनाया जाता है, ये उनके यहां पिछले 50 साल से चल के आता है। यूरोप और अमेरिका के जो भोजन विशेषज्ञ हैं, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स जिनको माना जाता है, वो सभी कहते हैं कि अपनी गाय, माने यूरोप और अमेरिका की जर्सी गाय का भोजन अगर करें तो 15 से 20 साल में कैंसर होने की शक्यता, डायबिटीज तो सबसे जल्दी होता है, अर्थराइटिस, रूमेटिड अर्थराइटिस, ऑस्टियोअर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ऐसे 48 रोग होने की सबसे ज्यादा संभावना है यूरोप और अमेरिका की गाय का मांस खाओ तो अब वहां पर एक अभियान चल रहा है यूरोप और अमेरिका में। वो अभियान यही है कि उनके देश में जो गाय है उसका मांस कम से कम उपयोग करो और भारत जैसे देश में जो सुरक्षित गाय है इसका मांस ज्यादा से ज्यादा खरीदो। तो भारत सरकार के साथ यूरोपियन कमीशन ने और अमेरिका ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। उस एग्रीमेंट के साथ हर साल हमारी सरकार 72 लाख मीट्रिक टन मांस यहां से गाय और गोवंश का भेजती है और उसके लिए 2.5 करोड़ गाय को हर साल इस देश में कट जाना पड़ता है।